हेलो गाइस, आई एम प्रमोद यादव, वेलकम बैक टू एसवी मोटर्स। और आज आया हूँ मैं, पीछे देख सकते हो मेरे, ये अपने सुजुकी शोरूम पे। तो अभी अंदर चलते हैं, आज आपको दिखाएंगे जिक्सर SF250 और कैसी बाइक है आपको दिखाते हैं। तीनों कलर अवेलेबल है यहाँ पे और शोरूम ना पालूक सुजुकी, तो पालूक सुजुकी आए हैं। अभी अंदर चलते हैं और सुमित भी अंदर खड़ा है। ऐसा दिखता है अपना शोरूम पालूक सुजुकी और ये सुमित बैठा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले बाइक, फिर सुमित दे देगा इसका रिव्यू। क्या मतलब, आपको पूरी इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बता देगा डिटेल। सो ये है भाई जिक्सर SF250, काफ़ी मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक है, काफ़ी अच्छा फील देती है आप जब राइड करते हो इसको, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। और इससे कम्पीट कर सकते हो आप, अगर प्राइस के हिसाब से देख सकते हो KTM RC 200 से भी कम्पीट कर सकते हो इसको आप। बट ये है कि वो 200 cc है, बट ये प्राइस के हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी तो ये है डोमिनार 250 से भी हो सकता है इसका कंपैरिजन। और ये कलर देख लो, मैट ब्लैक आता है इसका और इसमें ग्राफिक्स वगैरह गोल्डन में दे रखे हैं। जिक्सर SF अपना स्टिकरिंग दे रखी है यहाँ पे। सोक्स इंजन मिलता है आपको यहाँ पे, DOH इंजन नहीं मिलता, इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा ठीक है, क्योंकि KTM वगैरह में आपको DOH इंजन मिल जाते हैं। और इसमें कलर आपको ये मिल जाता है, ये काफ़ी पॉपुलर कलर है। और ये थोड़ी सी फ्लिकरिंग आएगी भाई, तो थोड़ा इसे माइंड मत करना लाइट की वजह से। तो ये कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है और इसमें आपको ब्लू एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। एंड वो थर्ड कलर है यहाँ पे है अवेलेबल, ये वॉल ब्लू कलर है, ये आपका रेसिंग ब्लू कलर है। इसमें ना आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं, काफ़ी अलग डिफरेंस मिल जाते हैं। सुजुकी की बड़ी सी बैचिंग मिलती है, 250 की बैचिंग मिल जाती है। तो तीनों कलर अवेलेबल है, सब अपने चॉइस के हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं, जिसको जो अच्छी लगती है। बाकी लुक काफ़ी अच्छी है बाइक की, बल्की सी बाइक लगती है, पीछे से भी देख लो टेल इसकी काफ़ी हैवी है। आप यहाँ पे शोरूम पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको परचेज़ करनी हो तो बाइक, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा शोरूम का। और अभी इसका जो लाइट देख लो, आपको LED मिल जाती है फ्रंट में, और बाकी सारी चीज़ें आपको भी सुमित बता देगा, ठीक है भाई। सो अभी इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं भाई, तो चलते हैं इसके इंजन की तरफ। ऐसा कुछ आपको इसमें ब्राउन कलर का इंजन देखने को मिल जाता है भाई, जिसके ऊपर पेंट करा गया है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ आपको मैं, 249 cc सिंगल सिलेंडर, ऑयल कूल्ड आपको इसमें मिलता है, लिक्विड कूल्ड नहीं मिलता, ऑयल कूल्ड बढ़िया भाई, ऑयल कूल्ड इसमें दिया गया है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 26 bhp की, एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 22 Nm की। तो काफ़ी अच्छी इसकी पावर आपको इसमें मिल जाता है, हमने चला भी रखी है जब ये लॉन्च हुई थी, तो काफ़ी एक अच्छा पंच इसके अंदर आता है। एंड टॉप स्पीड भी काफ़ी जल्दी अचीव कर लेती है। फ्रंट का देखोगे आप तो ऐसी कुछ आपको इसमें LED लाइट देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया सेटअप दिया गया है। बट जो इसका फ्रंट फेस है वो थोड़ा सा छोटा लगता है वाइज़र की वजह से, क्योंकि वाइज़र काफ़ी छोटा सा दिया गया है, क्लियर वाइज़र आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एंड ये आपके कुछ मिरर इसमें देखने को मिल जाते हैं, बैक मिरर, काफ़ी सही विजिबिलिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और इसके स्पीड गियर की बात करें तो आपको इसमें स्पीड 6 speed गियर बॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड चले, यहाँ पे आपको टैंक मिल जाता है, मैट कलर है फुल बाइक का भाई, ब्लैक मैट में है ये। और यहाँ पे आपको बैच मिल जाता है सुजुकी का, बैच देख सकते हैं क्रोम में मिलता है आपको। तो 12 liter की आपको इसमें फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको एवरेज प्रोवाइड कर देगी भाई, 30 से 35 की आपको आराम से ये एवरेज प्रोवाइड कर देगी सिटी के अंदर। और हाईवे पे जाओगे तो भाई 38 या 40 भी मेरे हिसाब से दे सकती है भाई, काफ़ी आराम से। और ये देखोगे भाई, ऐसा कुछ आपको इसमें क्लिप ऑन हैंडलबार देखने को मिल जाता है। इसके जो हैंडलिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ऐसे कुछ आपको इसमें बटन देखने को मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के आपको इसमें बटन देखने को मिल जाते हैं। ये आपको किल स्विच है, यहाँ से आप अपनी बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो इसकी ग्रिपिंग है वो भी काफ़ी सही दी गई है, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी इसकी ग्रिपिंग। अभी मैं बाहर आया हूँ क्योंकि वहाँ पे जो बाइक थी 250 उसमें बैटरी अटैच नहीं थी, तो आपको इसमें मीटर दिखाया तो मैं एक बार, तो ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है, दे सकते हैं, सुजुकी का लोगो मिलता है इस पर। तो थोड़ा शोर आएगा यहाँ पे, तो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्या करूँ थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ऐसा कुछ आपको इसमें डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे दो बटन्स मिल जाते हैं, सिलेक्ट एंड एडजस्ट का ये बटन मिल जाते हैं। थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, यहाँ पे ABS की लाइट, इंडिकेटर की लाइट, तो यहाँ पे आपको RPM लाइन देखने को मिल जाती है, स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, गियर इंडिकेशन आपको इसमें मिलती है, फ्यूल इंडिकेशन भी मिलता है, एंड यहाँ पे बैटरी का भी इंडिकेशन दिखाता है भाई, कितने वोल्ट की बैटरी आपको सप्लाई दे रही है, टाइम दिखाया था। तो ये कुछ आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ऑडोमीटर एंड ट्रिप A ट्रिप B, एंड आपको इसमें एवरेज वगैरह नहीं बताता है, तो इन्फॉर्मेशन है बट इतनी भी ज़्यादा आपको इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सीट की बात करें तो आपको इसमें स्प्लिट सीट देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, फ्रंट वाले भी काफ़ी वाइड एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड जो बैक है, काफ़ी बाइकों में छोटी आते बट इस बाइक में भाई काफ़ी सही दी गई है मेरे हिसाब से, देख सकते हो काफ़ी कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया है, एंड एरिया भी काफ़ी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। या आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं ऐसे कुछ आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है ब्लैक कलर में,
अब इसके सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट में आपको काफ़ी हैवी सस्पेंशन मिल जाता है भाई, देखने में देख सकते हो काफ़ी हैवी है भाई, मेरे को काफ़ी हैवी लगे। एंड जो इनका रोड प्रेजेंस है काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आपको इसमें देखने को मिलती है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, USD नहीं मिलता आपको इसमें। और ABS की बात करें तो आपको इसमें ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलता है, फाइबर के ब्रेक देखने को आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एलॉय की बात करें तो आपको इसमें डायमंड कट एलॉय देखने को मिलता है भाई, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। फ्रंट टायर देख सकते हो MRF के आपको इसमें टायर मिलते हैं, 110 का आपको इसमें फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। एंड जो इसकी प्रोफाइल है वो काफ़ी लो है, तो काफ़ी बढ़िया स्टेबिलिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और इंडिकेटर की बात करें, आपको इसमें LED इंडिकेटर देखने को नहीं मिलते, आपको इसमें हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके पीछे की साइड, तो यहाँ पे पीछे की जो सस्पेंशन है वो आपको इसमें मोनोसोक्स देखने को मिल जाते हैं, वाइट कलर का टच दिया गया है इनमें, तो काफ़ी सही सस्पेंशन पीछे भी आपको देखने को मिलता है। फुटपैक है वो भी आपको स्पोर्टी देखने को मिल जाता है, फ्रंट वाले हैं वो थोड़े कम स्पोर्टी लग रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये रबर दी गई है तो थोड़ा कम फील आ रहा है स्पोर्ट्स का, पर जो पीछे वाले हैं ये सही लग रहे हैं। ये इधर आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे कोई पैर रखने के लिए नहीं है, पीछे का मड गार्ड देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पे पीछे के टायर की बात करूँ तो आपको 150 का साइज़ देखने को मिल जाता है पीछे, काफ़ी वाइड टायर आपको इसमें देखने को मिलता है, तो ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी, स्टेबिलिटी भी एंड कॉर्नरिंग करने में भी काफ़ी सही फील आएगा आपको इसमें। लाइट की बात करें पीछे की, आपको इसमें LED लाइट देखने को मिल जाती है, लुक भी काफ़ी अच्छी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ये आपकी टेल टाइडी है, काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी बड़ी सी है इस साइड से देखोगे। एंड इंडिकेटर हेलोजन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट की असेंबली देखने को मिल जाती है आपको इसमें। इधर देखोगे ऐसे कुछ आपको ड्यूल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी साउंड होगी आपको, मैं सुनवा दूंगा लास्ट में साउंड इसकी, क्योंकि इसकी बैटरी अटैच नहीं है, बाहर बाइक खड़ी है उसकी आपको मैं साउंड सुनवा दूंगा। तो ऐसा कुछ क्रोम टच दिया गया है एग्जॉस्ट को, आवाज़ काफ़ी सही रहेगी मेरे हिसाब से, अभी सुना देंगे आपको। एंड यहाँ पे देख सकते हो SEP लिखा हुआ है, सुजुकी इको परफॉर्मेंस, मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये बाइक देगी, एंड एवरेज के हिसाब से भी काफ़ी सही रहेगी ये बाइक। इसके टोटल कर्व वेट की बात करें, 161 kg का आपको इसमें टोटल कर्व वेट देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, आपको इसमें 165 का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि भाई सही है ग्राउंड क्लियरेंस, मैं ओके बोलूँगा, इतना भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ओके है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। एंड इसकी सीट हाइट की बात कर ले तो 800 mm की सीट हाइट आपको इसमें मिल जाती है, तो आराम से आप चला सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस थी जो कि मैंने आपको बता दी है, और ओवरऑल आपने भी देख लिया भाई बाइक कैसी है। वैसे मेरे को ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया लग रही है, एंड ग्राफिक भी काफ़ी कम है, तो उससे भी काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इसकी। जैसे ये वाले कलर है इनमें ग्राफिक ज़्यादा दिख रही है, जैसे वो रहा कलर उसमें भी आपको ग्राफिक ज़्यादा दिख रही है, तो वैसे लगती है बढ़िया वो भी है, बट ग्राफिक कम होने की वजह से भी और अच्छी लगती है, जैसे इस ब्लैक कलर पे तो खासकर। तो गाइस ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस थी, तो अब बात कर लेते हैं भाई इसके प्राइस की। तो इसका मैं आपको गुड़गांव का प्राइस बताऊंगा, 1.81 lakhs एक्स शोरूम इसका प्राइस है गुड़गांव में, और ऑन रोड आपको मिलेगा 2,07,000 ऑन रोड इन गुड़गांव में। कंपेरिजन की बात करें भाई तो RC 200 से भी कर सकते हैं, डोमिनार 250 से भी कर सकते हैं, RC 200 से इसलिए क्योंकि भाई उसका प्राइस इसी के अराउंड है, इससे अराउंड का इससे ऊपर ही होगा। तो RC 200 से काफ़ी अच्छी आपको इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, जो डोमिनार है उसकी भी थोड़ी कम परफॉर्मेंस होगी इसके हिसाब से, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी चलाई नहीं है डोमिनार 250, ये तो पक्का चला रही भाई, 150 आराम से बिल्कुल स्मूथली टच कर देती है ये। तो भाई मैं सजेस्ट करूँ तो काफ़ी अच्छी बाइक है। तो आप बताएं भाई आपको कैसी लगी ये वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, सब कुछ आपको बता देते हैं भाई, घर बैठे कहाँ से आप ले सकते हो, क्या प्राइसिंग होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, एंड ऐसी ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको आगे मिलेंगे। तो जब तक के लिए बाय।